नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा जो पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड है वो हमारे घर पे आज डिलीवर हो गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि अगर आपका भी नया एटीएम कार्ड आया आपके पास तो आप इसका जो कि पिन जनरेट कैसे करेंगे। पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाऊंगा, लाइव एटीएम पे ले जाके दिखाऊंगा और पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर आप भी एटीएम का पिन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। पूरी डिटेल में आपको दे दूंगा कि पिन आपको कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या करना होगा, सब चीज़ बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आप सभी को जाना होगा, किसी भी पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पे जा सकते हैं। जो भी आपके घर के नज़दीक में हो, पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम ही होना चाहिए। और किसी एटीएम में करेंगे तो आपका पिन जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पिन बना रहे हैं, इसलिए पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में ही आपको ये प्रोसेस करना होगा। तो जैसे आप एटीएम मशीन पे पहुंच जाते हैं, आपको सिंपली अपना कार्ड है जो कि कुछ इस तरीके से है जो कि इंसर्ट करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे आप इस कार्ड को है जो कि मशीन में एंटर करते हैं, यहाँ पर देखिए आपकी कार्ड की है जो कि डिटेल यहाँ पर ली जा रही है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं, इसी में से एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जनरेट ग्रीन पिन। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर तो आपको करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है OTP जनरेशन। तो आपको पहले तो एक OTP है जो कि जनरेट कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया है कि आपके मोबाइल नंबर पे है जो कि एक OTP सेंड कर दिया गया है। तो इस ATM को आप यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर है जो कि आपका फर्स्ट स्टेप है जो कि पूरा हो चुका है पिन जनरेशन करने का। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट होता है अपना स्टेप टू। आपके पास OTP जैसे आ जाता है, आप कार्ड को है जो कि दोबारा से मशीन में इंसर्ट करेंगे। जैसे आप इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर आपकी डिटेल है जो कि ली जा रही है कार्ड की। तो डिटेल लेने के बाद आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना होगा, आपका जनरेट ग्रीन पिन वाले ऑप्शन पे आपको वापस से है जो कि क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, आपने पहले तो करा था OTP जनरेशन, पर आपको क्लिक करना है OTP वैलिडेशन। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है जो कि आपको एंटर करना होगा 4 डिजिट का वो OTP जो कि आपके मोबाइल नंबर पर है जो कि सेंड करा गया था। तो आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर पे जो मैसेज आया था उसमें चेक करेंगे, आपका 4 अंकों का है जो कि एक सीक्रेट कोड यानी कि OTP सेंड करा गया होगा। तो हम यहाँ पे अपना OTP भर देते हैं। उसके बाद यस वाला ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, हमने OTP भर दिया है। तो नीचे जो आपको यस का ऑप्शन दिख रहा है, इस यस वाले ऑप्शन पर है जो कि आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया है पिन सेट सक्सेसफुली। तो हमारे ATM का जो कि पिन सेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब जो कि हम अपने ATM से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी ATM से पैसे निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पिन है जो कि सक्सेसफुली हमारा जनरेट हो चुका है। तो पिन जनरेट होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा और आपका ATM कार्ड है जो कि फुल्ली एक्टिवेट हो चुका है। अब आप इस ATM से कुछ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, और साथ ही साथ है जो कि कैश विड्रॉल वगैरह भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही पूरा प्रोसेस रहता है, मात्र 2 मिनट में है जो कि आप अपना पिन सेट कर सकते हैं। अगर आपका नया ATM आया है तो इस तरीके को अपना के आप 2 मिनट में अपना पिन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।